बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्लानिंग ब्लॉग्स यूके। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं इस चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, कमेंट करते हैं, इन द पास्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई स्टूडेंट्स के लिए, एकोमोडेशन के रिलेटेड, जॉब के रिलेटेड, और इंग्लैंड और स्कॉटलैंड में डिफरेंस काफ़ी वीडियो स्टूडेंट्स ने देखी भी हैं और उनको उनके नीचे कमेंट भी किया, और काफ़ी लोगों को जो भी एकोमोडेशन गार्डिंग हेल्प चाहिए थी, किसी को एकोमोडेशन चाहिए था, किसी को जॉब चाहिए था, मैंने पूरी कोशिश की है अप्लाई करने में, और उनको इंस्टाग्राम में मैसेज करने में, जिन्होंने मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो किया, मुझे मैसेज किया है, मेरे तक पहुँचे हैं। पर इन द पास्ट फ्यू मंथ्स मेरे लिए बहुत बिजी रहे हैं, लज वेरी बिजी, मैं इंडिया था। पर अब जो मैं आपके लिए अपडेट लाया हूँ कि अब मैं रेगुलर अपने यूट्यूब इस चैनल पे वीडियोस डालूंगा, और वीडियोस स्टूडेंट्स के रिलेटेड काफ़ी वीडियोस आएंगी इसमें कंटिन्यू, जो भी स्टूडेंट्स मुझे फॉलो करते हैं। तो गाइज़ अब मैं बताना चाहता हूँ कि अभी यूके में क्या सिचुएशन है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सितंबर इनटेक के लिए आया है, उनके अपडेट तो यही है कि अभी जो यूनिवर्सिटी जो है बैक टू नॉर्मल हो गई हैं, चालू हो गई हैं, पर सब 5 के 5 या 6 के 6 दिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं चल रही हैं। तो जो यूनिवर्सिटीज़ चालू हैं, यूनिवर्सिटीज़ ने क्या किया है कि 1-2 दिन जो फेस टू फेस क्लासेस रखी हैं और बाकी दिन ऑनलाइन रखी हैं। तो धीरे धीरे करके ये कैंपस में भी बुला रहे हैं। मैं भी अभी, मेरी भी यूनिवर्सिटी चालू हुई है, तो मैं भी 2 दिन यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, बाकी दिन ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो अभी जो ये अपडेट है कि यूके में बैक टू नॉर्मल धीरे धीरे लाइफ हो रही है, पर कोविड के केसेस फिर भी आ रहे हैं, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि विंटर में मे बी ये लोग लॉकडाउन करें, पर अभी क्या है कि ये लोग वैक्सीनेशन बहुत जल्दी लगा रहे हैं। तो जिसको 2 वैक्सीन लगी हैं वो यहाँ पे, जैसे स्कॉटलैंड ने एक रूल निकाला है कि जो इवेंट्स होंगे बड़े बड़े और जो पब क्लब्स होंगे, वहाँ पे जिसको 2 वैक्सीन लगी हैं वही एंट्री ले सकता है, बिना एक वैक्सीन या बिना वैक्सीन वाला कोई एंट्री नहीं ले सकता। तो ये इन्होंने रूल निकाला है, ये वैक्सीन पासपोर्ट जल्दी इशू करने वाले हैं, ये अभी स्कॉटलैंड में है। इंग्लैंड की बात है तो इंग्लैंड में ये अभी रूल ये ओनली स्कॉटलैंड में हुआ है। और ट्रैवलिंग की बात करूँ तो ट्रैवलिंग में इन लोगों ने रेड लिस्ट से इंडिया हटा दिया था ऑलरेडी, और क्वारंटीन भी ख़त्म कर दिया है जिसको 2 वैक्सीन लगी हैं। तो जिसको 2 वैक्सीन लगी है उसको होटल क्वारंटीन नहीं रहना। मैं अभी इंडिया गया था जून में, और जब मैं जुलाई में वापस आया तो मुझे क्वारंटीन होटल में रहना पड़ा, मुझे 1750 पे करना पड़ा होटल के चार्जेस, जो क्योंकि उस टाइम पे इंडिया रेड लिस्ट कंट्री में था, उस टाइम पे कोई ऐसा रूल नहीं था कि जिसको 2 वैक्सीन लगी है। तो तुरंत आफ्टर 1 मंथ उन्होंने अनाउंस किया है कि जिसको 2 वैक्सीन लगी है और रेड लिस्ट में नहीं है तो आपको क्वारंटीन नहीं रहना, तो आप फ्री टू गो, आप घर, आप होम क्वारंटीन कर सकते हो, घर पे आओ और आप घर पे रह सकते हो। तो अभी ये अपडेट है ट्रैवलिंग का। और अभी ये RT-PCR जो टेस्ट है ये भी, इसको भी स्क्रैप कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में है ऑलरेडी स्क्रैप हो चुके हैं, अनाउंसमेंट आ गई है कि वहाँ से RT-PCR की जरूरत नहीं होगी जितने भी इंग्लैंड के एयरपोर्ट हैं, पर स्कॉटलैंड वालों ने अभी वो नहीं किया है। गाइस तो ये मैं वीडियो अभी शॉर्ट वीडियो रख रहा हूँ, मैं सिर्फ इसमें आपको यही बताना चाहता था कि अभी जो यहाँ पे सिचुएशन है, क्या सिचुएशन चल रही है, और मेरी जो वीडियोज़ अभी रेगुलर आती रहेंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो मेरे साथ, पैनल ब्लॉग्स यूके को फॉलो कर सकते हो मेरे पेज को इंस्टाग्राम में, और मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। और बाकी अगर किसी को भी यहाँ पे एकोमोडेशन चाहिए या जॉब के रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं वीडियोज़ और धीरे धीरे अपडेट मैं अपने चैनल पे लाता रहूँगा। मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देखेंगे गाइस, मेरी पुरानी वीडियो मैंने स्कॉटलैंड के रिलेटेड काफ़ी बना रखी है, मैंने व्लॉग्स बना रखे हैं, वीडियोज़ बना रखी हैं, तो आप जाके मेरी वीडियोज़ देखें। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। सो थैंक यू सो मच गाइज, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।